हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर पैटर्न कैसा होगा और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉर्पोरेट अकाउंट के। अब मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर पैटर्न बताया है वो मैंने दिसंबर 2022 की जो एग्जाम हुई थी उस बेसिस पे बताया है, यानी कि इस बार भी इस तरह का पेपर पैटर्न आ सकता है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी इसी तरह का पेपर पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो टोटल आपको पता ही है 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें एक तो एमसीक्यूज हो जाता है, मेनली होते हैं 4 क्वेश्चन। तो ये जो पूरा पेपर है ना वो 70 मार्क्स का है और 2.5 आवर का टाइम मिलता है इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सम्स, यानी कि एक बड़ा सम आएगा जिसमें आपको 14 मार्क्स कवर करने होंगे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी, जो दोनों शॉर्ट सम्स होंगे, यानी कि होगा तो बड़ा सम, उसमें से छोटा सा बना के ये लोग दे देते हैं, जो 7-7 मार्क के होंगे। देन बात करें तो यहाँ पे टोटल 14 मार्क का क्वेश्चन 1 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम बिग सम होता है, बड़ा सम होता है 14 मार्क्स का, और उसके और में शॉर्ट शॉर्ट सम्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे शॉर्ट सम्स की जगह पे थियरी आ सकती है, बट उसके बहुत कम चांसेस है, बिकॉज मैंने लास्ट के कुछ पेपर देखे उसमें ज्यादातर जो है वो सम्स ही आए हैं। और मैं भी यही आपको प्रीफर करूंगा कि आप लोग भी सम्स ही करिएगा और ये 14 मार्क्स वाला सम्स को खास अटेंड करिए। और आपको एक और बात पता है कि कॉर्पोरेट अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो फेल होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सम्स आते हैं और सम्स आपको प्रॉपरली करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आप लोग फॉर्मेट देख के तो जाना ही जाना, ठीक है। आगे बात करें तो ये पूरा क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा होगा, तो ये क्वेश्चन मैंने 2022 के पेपर में देखा था, तो 14 मार्क का ही सम था जहां पे टोटल 3 सम दिए थे, उसमें से लिखा था कोई भी 2 करना है, ठीक है, तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो था सम्स जो 14 मार्क का था और उसके और में 2 शॉर्ट सम्स थे 7-7 मार्क के। मतलब इसमें कैसा होता है, या तो आप एक 14 मार्क का करो या तो फिर 2 7-7 मार्क के करो। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं 14 मार्क्स के। और आखिरी में आता है एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज जो है वो जनरली 12 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 7 करने हैं, जो एक एमसीक्यूज 2 मार्क का, तो हो जाता है 14 मार्क्स का पूरा पेपर। तो यहां पे मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंट का पूरा पेपर पैटर्न बताया। हाँ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले, शॉर्ट सम की जगह पे शायद एक आधी थियरी पूछ ले, बाकी ये वाला जो पूरा पेपर है ना वो सम्स वाला ही है। चलो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं अलग अलग चैप्टर्स में से। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें कौन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है जिससे आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहला बात करें तो सम नंबर 5 है, जिसका नाम है मुकेश राजेश एंड दीपक, जो पेज नंबर 65 पे है। देन आफ्टर सम नंबर 11 नर्सी लिमिटेड, जो है पेज 71। देन आफ्टर है सम नंबर 23 सत्यम लिमिटेड, पेज नंबर 84। सम नंबर 13 मेघदूत लिमिटेड, पेज नंबर 72। फिर है सम नंबर 29 कृपाल लिमिटेड, पेज नंबर 91। देन आफ्टर सम नंबर 39 अंजुना लिमिटेड, पेज नंबर 104। तो ये सारे चैप्टर 1 के आईएमपी हो जाते हैं। और आपको मैं वापस बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 3 की बैच है, जहां पे हम आपको 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और 2 थियरी सब्जेक्ट, और आपका ये जो पूरा सेम है वो 2399 में है, और अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट करें तो हम आपको इस अमाउंट पे भी एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। और अभी भी आपने पढ़ाई चालू नहीं किया है, बहुत दिक्कत आ रही है कॉर्पोरेट अकाउंट में, अभी कभी हमारा कॉन्टेक्ट करें, या तो आप गूगल प्ले स्टोर से या एप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर ले। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो उसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो वो एक करना है सम नंबर 23 गायत्री लिमिटेड, पेज 191 पे है। सम नंबर 24 कंपनी लिमिटेड, वो है पेज 192। देन आफ्टर सम 27 सीमा कंपनी लिमिटेड, पेज नंबर 195। फिर है सम 28 धवल लिमिटेड, पेज नंबर 196। फिर है सम नंबर 34 ऋषि लिमिटेड, पेज नंबर 206। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी ऐप पे डाल दिए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप हमारी ऐप से पढ़ लेते हो तो भाई बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। शायद कोई जॉब कर रहा होगा, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा होगा, तो साथ साथ में आप ये हमारा कोर्स में भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 3 बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में आपको करना होगा सम नंबर 9 जो है देना बैंक, वो है पेज नंबर 290 पे। देन आफ्टर सम नंबर 11 है प्रोग्रेसिव बैंक लिमिटेड, पेज नंबर 291। देन
सम नंबर 20 श्री राम बैंक लिमिटेड पेज 299 और सम नंबर 21 अल्फा बैंक लिमिटेड पेज 301, सम नंबर 26 विश्वा लिमिटेड पेज नंबर 308 और सम नंबर 33 प्रोग्रेसिव बैंक लिमिटेड पेज नंबर 317। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस और पेज नंबर कहां से लिए हैं, तो मेरे पास ये वाली बुक है और मैं आपको बता दूं कि ये वाली बुक जो है वो 2022 और 23 की है। ठीक है, अगर मान लो ये वाली बुक में से अगर आपके पास लेटेस्ट है या इससे भी पुरानी है कोई, तो आप लोग ना हमारी ऐप में जाकर के ये वाली बुक डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से रेफरेंस ले सकते हो कि ये सम नंबर कौन से और कौन से पेज पे है। ठीक है, तो याद रखना ये वाली बुक से हमने ये सारे आईएमपी लिए है। नेक्स्ट आगे बात करें तो चैप्टर नंबर है 4, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है लिक्विडेटर अकाउंट्स, जिसमें आपको करना होगा सम नंबर 6 शीतल लिमिटेड पेज 386 पे है, फिर सम नंबर 7 माया लिमिटेड पेज नंबर 388 और सम नंबर 27 बागवान लिमिटेड पेज नंबर 413, सम नंबर 31 आशा लिमिटेड पेज 416, सम नंबर 38 राज लिमिटेड पेज 426 और सम नंबर 50 देवांग लिमिटेड पेज नंबर 439। अच्छा ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोग तो अपने पास लिख लेना, बट अपने दोस्तों को भी ये सारा वीडियो, ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस शेयर करना और उनको भी बोल देना कि हमारी जो चैनल है यूजीटी उसको सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आगे चल के भी ऐसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थियोरीज, पेपर पैटर्न्स वो सब आपको रेगुलर देते रहेंगे जब तक कि आपका बीकॉम खत्म नहीं हो जाता। तो ये वीडियो ना आपको हर सेम में, यानी कि हमारी चैनल आपको हर सेल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।